अगर मैं गोप्रो के माइक एडाप्टर की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था 4200 रुपीज़ का। गोप्रो को मैंने माउंट कर दिया है अपने हेलमेट में। सो ये है मेरे जुरानजी का केस। सो ये है चिन माउंट। हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। सो इससे पहले आपने मेरे एमटी वाले हेलमेट की रिव्यू वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने कंपेयर किया था कौन सा हेलमेट आपके लिए बेस्ट है। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि मैं गोप्रो को अपना कैसे इसमें इंस्टॉल करूँगा। बट उससे पहले मैं उन चीज़ों को भी दिखाऊंगा जो कि मोटो ब्लॉगर को ज़रूरत होती है अपने गोप्रो को इंस्टॉल करने के लिए। सो आइए फिर मैं उन चीज़ों को अनबॉक्स करता हूं और धीरे धीरे आपको बताता हूं कि कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए। गाइस ये कुछ हैं एसेसरीज जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी आपके गोप्रो को माउंट करने के लिए हेलमेट पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये है मेरा गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो उसकी ऑलरेडी बना रखी है। आप वो जाके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने गोप्रो हीरो 9 के लिए मंगाया है जुलानजी का केस, जो कि हेलमेट में लगेगा। इसके अलावा मेरे पास है ये गोप्रो का माइक अडेप्टर। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर मानो का माइक, और ये है मेरा चेन माउंट जो कि हेलमेट में लगाएंगे। सो इन सबको मैं अनबॉक्स करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगाए जाते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने जुलानजी केस को अनबॉक्स करता हूँ। तो ये है मेरा जुलानजी का केस, आप देख सकते हैं G94 इसका मॉडल नंबर है, जो कि गोप्रो हीरो 9 के लिए स्पेशली बना है। देख सकते हैं प्लास्टिक केज फॉर गोप्रो हीरो 9। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये कुछ इसमें पहले एक तो व्लॉग कार्ड मिला है, फिर मुझे कुछ स्टिकर्स मिले हैं जुलानजी के, तो मैं आप सीधे गोप्रो के। तो ये है जुलानजी का केस, जो कि आप देख सकते हैं डुअल माउंट के साथ दे रखा है, जिसमें आप माइक भी लगा सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखिए, आप इसको यहाँ पे ओपन करने के लिए दे रखा है, पीछे से आप गोप्रो को लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। सो ये है मेरा गोप्रो का माइक अडेप्टर, जो कि आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आप मोटो व्लॉगिंग कर ही नहीं सकते हैं। सो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके साथ एक मैनुअल मिली है, नहीं लाइफ टाइम वारंटी मिली है इसके साथ। फिर ये देखिए, ये है इसका गोप्रो का माइक अडेप्टर, जिसमें आप देख सकते हैं 3.5 mm की जैक दे रखी है, जिसमें वो आपका जो माइक का 3.5 mm जैक होगा वो इसमें लगेगा। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है। फिर इसको साइड रख के अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, सो ये है मैंने मंगाया है मानो का माइक, जो कि आपको हेलमेट में मोटो व्लॉगिंग के लिए हेल्प करेगा आपकी वॉइस के लिए। अब ये देखिए, इसमें माइक दे रखा है, प्लस TRR दे रखा है, और इसके अलावा मुझे कार्ड मिला है। लेंथ आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी नहीं है, एज़ कंपेयर अगर आप करते हैं तो बोया के माइक से, उसमें आप देख सकते हैं 20 फिट आपकी लेंथ मिलती है, बट इसमें आपको ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं मिलेगी, तो आप हेलमेट में आराम से इसको पैडिंग के अंदर बिछा सकते हैं। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। सो ये है मेरा ये है चिन माउंट।
सो ये है चिन माउंट जो कि हेलमेट पे आपका लगेगा, और इसके साथ एक ये भी दे रखा है जिसको आप ऐसे करके फिक्स कर देंगे और अपना यहाँ पे अपना गोप्रो को फिक्स कर देंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सब एसेसरीज़ अभी आपने देखी, मैंने इसको अनबॉक्स किया। तो ये सब एसेसरीज़ आपको ज़रूरत पड़ेंगी आपको मोटर लॉगिंग करने के लिए। हर एक एसेसरीज़ का अलग अलग यूज़ है, इसके बिना आप बिल्कुल भी मोटर लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। बट अब मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ, तो ये मुझे अगर मैं केस की बात करूँ यूलानजी का, जो कि आप देख सकते हैं कैप के साथ मिलता है और इसमें फ़िल्टर लगाने के लिए अलग से स्पेस दे रखा है, तो आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। सो इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है अराउंड 1600 रुपीज़ का। फिर मैं अगर GoPro के माइक एडाप्टर की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा था 4200 रुपीज़ का, बट इसकी प्राइस रेंज बढ़ती और कम रहती है अमेज़ॉन में। अगर ये आपको कभी 3800 रुपीज़ का मिल जाएगा, कभी आपको ये 4500 रुपीज़ तक, ये अप डाउन करता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसके मानो की माइक की बात करता हूँ, जो कि मुझे अराउंड समथिंग 350 रुपीज़ का पड़ा था। इसके बाद मैं चेन माउंट की बात करता हूँ जो कि हेलमेट में लगाया जाएगा, ये मुझे पड़ा था 600 रुपीज़ का। सो ये सब आइटम जो भी है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, मैं इन सब चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। सो आइए अब मैं इन सब चीज़ों को अपने हेलमेट में लगा के दिखाऊँगा आपको कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होती हैं। GoPro को मैंने माउंट कर दिया है अपने हेलमेट में। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे माउंट किया। मैं उससे पहले आपको बताता हूं कि पहले तो चिन माउंट था जो मैंने चिन माउंट को राउंड करके यहां पे लॉक कर दिया है, आप चिन माउंट देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो केस मैंने मंगाया था, केस इसलिए काम आता है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें GoPro का माइक लगाना पड़ता है GoPro में, तो इसके लिए अडेप्टर के लिए स्पेस दिया रहता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यूलानजी के केस में देख रहे हैं स्पेस दिया हुआ है, तो उसकी वजह से आप अडेप्टर को अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका माइक हमारा जो है वो पैडिंग पूरी पैडिंग के अंदर से पूरा माइक जाते हुए पूरा आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे माइक हल्का सा निकाल रखा है, जिससे आपकी जो वॉइस होगी वो पूरे में ट्रांसफ़र होगी। और जो इसकी वायर है वो पूरे पैडिंग के अंदर बिछ गई है, जो कि आप देख सकते हैं दिख नहीं रही है बिल्कुल भी अंदर से। फिर उसके बाद देखिए ये है अडेप्टर, अडेप्टर जो होगा वो आपका GoPro पे अटैच हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं केस में ऑलरेडी स्पेस दे रखी है यहाँ पर लगाने के लिए। अब सिंपली आपका जो है ये GoPro का माउंट पूरा रेडी हो गया आपके हेलमेट में। अब मैं सबसे पहले अपने हेलमेट में सबसे पहले मैं अपने हेलमेट का ये निकालता हूँ अपना, सो ये मेरा GoPro का माउंट और हेलमेट रेडी हो गया राइडिंग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाऊंगा।
सो आपने देख लिया कि गोप्रो को आप कैसे माउंट करते हैं हेलमेट में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग।